चलो आओ एक काम करते हैं, आज एक दूसरे को बदनाम करते हैं। मुझे है तुमसे मोहब्बत, ये ऐलान सरेआम करते हैं। तुम्हें पाने की तमन्ना ने शायर बना दिया है मुझे, लेकिन मैं कुछ भी बन जाऊं तुम्हें हासिल जरूर करके रहूंगा। काश काश ये बात मैं तुम्हें पहले बता सकता। हेलो स्वीटहार्ट, कैसी हो? बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत। आपके लिए खुशखबरी है। क्यों, घर वालों को हमारी शादी के लिए राजी कर लिया तुमने? जी नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं है, पहले मैं आपको समझ तो लूं। ओ, तो जनाब ने अभी हमें समझा ही नहीं है। नहीं, थोड़ा टाइम लगता है ऐसी चीजों में। हम दोनों एक दूसरे को समझ लें, एक दूसरे की पसंद नापसंद जान लें, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। अभी सिर्फ चंद मुलाकातें ही तो हुई हैं, जिंदगी का फैसला है भाई, सोच समझ के करना पड़ता है। हाँ सही कहा, वैसे मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। बाय द वे, खुशखबरी क्या थी? खुशखबरी ये है कि आप मामू बनने वाले हैं और मैं पोपो। अभी अब अभी इस पे गए। बहुत अच्छी बात है। कहाँ है अभी? हाँ कहाँ है? उनके मम्मी पापा आए हुए, उनके साथ बैठी हुई हैं। मैं तो बस चाय देने गई थी, फिर आके मैंने कहा आपको कॉल कर लूँ। सबसे पहले मैं ही खुशखबरी दूँ, इससे पहले आपको कोई और देते। अच्छा किया। और बताओ कैसी हो तुम? फैंटास्टिक। अच्छा कब मिल रहे हैं हम लोग? हम अब नहीं मिल रहे, इतनी जल्दी जल्दी क्यों? अरे बात तो सुनो। जी नहीं, अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुन रही। बाहर मेहमान बैठे हुए हैं, मैं तो बस एक मिनट के लिए आपको कॉल करने आई थी, अब मैं वापस जा रही हूँ। बाय। चलो तुम फ्री होके कॉल करना। ठीक है, रात में बात करें। लाफिस। ओके, लव यू। अदनान, यू गुड? क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, मैं प्रमोशन का बताया था ना। क्या हुआ? हो गई, दे टेक मी टू बर्लिन। डोंट टेल मी, रियली कांग्रेचुलेशंस मिस्टर अदनान। So happy. Come here. Finally, you did it. बहुत मेहनत थी आपकी इस पे। You know what? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं अदनान, आंटी जी की दुआएं थी, आपकी मेहनत थी। सिर्फ तुम्हारी दुआओं की वजह से। बहुत मुबारक हो। Have you seen sir? चलती हूँ ना, चलती हूँ साथ। You have to take care of someone else. नहीं नहीं, डॉक्टर से बात कर लूँगी ना। I can travel. नहीं, मैं चलती हूँ। Please, अच्छा टिकट अपनी खुद कर लूँगी, खुद। ठीक है, बातें कर रही हूँ। नहीं अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगता। अभी यहाँ नहीं, अभी यहाँ नहीं, अभी एक सेकंड ना। अस्सलामुअलैकुम माँ, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कैसी हो? सब खैरियत है ना? अचानक फोन किया। मैं ठीक हूँ माँ, एक खुशखबरी है। एक और खुशखबरी? जी, अदनान अपनी कंपनी का सेमिनार अटेंड करने जर्मनी जा रहे हैं, फाइनली उनकी प्रमोशन हो गई। ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, मेरी तरफ से कॉन्ग्रेट्स करना उसे। थैंक यू माँ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। रिक्वेस्ट? हाँ बोलो माँ।
मैं चाहती हूँ कि मैं भी अदनान के साथ जर्मनी चली जाऊँ। एक ही हफ्ते की तो बात है। तो आप बाबा से कह के मेरी टिकट करवा दें प्लीज। बेटा एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, हमने पहले तो तुम्हारे साथ ये शेयर नहीं किया था, लेकिन मुझे लगता है अब बताना पड़ेगा। क्या बात है माँ, सब ठीक है ना? अभी यहाँ सलीम के ऊपर एक केस ओपन किया गया है, जिसकी वजह से बेटा हमारे सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। फाइनेंशियली हमारी कंडीशन बहुत बुरी है। सारे अकाउंट मतलब आपका भी? बेटा मुझे तो लगता है तुम्हारा अकाउंट भी फ्रीज कर दिया होगा, क्योंकि सलीम के साथ जितने लोग कनेक्टेड हैं उन सब के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। और तो और हमारी कंपनी के जो हायर ऑफिशियल्स हैं उन सब की स्क्रूटनी हो रही है, पता नहीं क्या होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बाबा कैसे हैं माँ, ठीक है? क्या हाल होगा, बहुत परेशान है, अभी भी लॉयर के पास गए हैं। बेटा दुआ करो सब जल्दी ठीक हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम्हारे जाने का क्या होगा? अच्छा रुको, मैं अपने ट्रैवल एजेंट से बात करती हूँ, शायद वो क्रेडिट पे टिकट बना दे, या फिर सलीम आते हैं तो उनसे पूछती हूँ। नहीं 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 माँ, इट्स टोटली फाइन, कोई बड़ा मसला नहीं था ये। वैसे भी अदनान भी परेशान हो रहे थे कि मैं प्रेगनेंसी में कैसे ट्रैवल करूँगी, तो मुझे लगता है I should stay at home. It's totally fine. Thank you, beta, for understanding. नहीं मैम, it's okay. लेकिन बेटा तुम स्ट्रेस मत लेना। नहीं नहीं, it's okay. खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखना, okay? सारे अकाउंट फ्रीज हो गए, मेरा भी। कोई पुराना केस गवर्नमेंट का चल रहा था। I'm sorry, आप फ्रेश हो जाएं। लो भाई ले आया मिठाई। इस मिठाई को कचरे के डब्बे में डालिए। कैसी बातें कर रही है तुम? भाई हमारी बहू माँ बनने वाली है, हम दादा बनने वाले हैं, मिठाई को कचरे में क्यों फेंकेंगे? दोस्तों का मुंह मीठा करवाएंगे। मैं कहती हूँ मिट्टी डालें इस मिठाई पे। क्या गजब किया है आपने? मिठाई लाने में कैसा गजब भाई? फिर वही मिठाई। मैं मिठाई की बात नहीं कर रही, मेरी बात जरा गौर से सुने। सारी जिंदगी आपकी बातें गौर से सुनते आए हैं, अब भी आप ही की बात सुनेंगे, सुनाइए। अरे ये चोंचलेबाजी की बातें छोड़े और ध्यान से सुने मैं क्या कह रही हूँ। सुन रहा हूँ, बताओ बताओ। ये जो आपकी बहू है ना, हाँ? अभी हाँ, इसके माँ बाप कंगाल हो चुके हैं। क्या क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, ये भी फोन पे बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया। वो उन लोगों के वो अकाउंट क्या होता है फ्रीज, क्या अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, कोई जायदाद वायदाद का भी चक्कर है, मामला कुछ ठीक नहीं, बहुत खराब हो गया, बिल्कुल कंगाल हो गए। बहुत बुरा हुआ। और करी मर्जी की शादी, उस वक्त 2-4 करोड़ ले लेते तो ये वक्त तो ना आता ना। ये तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आती है मर के भी 1.25 लाख का होगा। अरे 1.25 लाख में तो दाढ़ भी गीली नहीं होती। और बाबा मैं तो मुहावरतन कह रहा था, देखो ना इतनी जायदाद है, अकाउंट फ्रीज हो गए तो क्या होगा, जायदाद तो है ना। जायदादें कुर्क हो रही हैं, हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। देखो भाई मैंने तो अपनी तरफ से जो कुछ भी किया था बेहतरी के लिए किया था, भलाई के लिए किया था, सोचा था 5-6 करोड़ हाथ में आ जाए तो। 5-6 करोड़ इतनी जायदाद है उनकी, 5-6 करोड़। अल्लाह बेहतर करेगा, परेशान क्यों हो रही है? अल्लाह तो बेहतर करता ही है, बंदा गलत करता है। ये आपने जो गलती की है ना, इसको मैं और मेरा बेटा भुगतेंगे। अच्छा ना, मुझे सोचने दो कि क्या करना है।
आप क्या खाक सोचेंगे? क्या सोचेंगे आप? आप कहते थे ना मैं देख लूंगा, क्या देखा आपने, क्या देखेंगे आप? अब खामोश रहिएगा, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि काम कैसे। चलो भैया। ऐसे उदास बैठोगी तो नहीं जा पाऊंगा मैं। ठीक हूं मैं। स्माइल करो, मुस्कुराओ, थोड़ा स्माइल से सी ऑफ करो शोहर को ताकि सफर अच्छा गुजरे उसका। तुमने ना अब कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अब तुम एक नहीं दो जान हो और तुम दोनों में मेरी जान है, समझी? चलो लेट्स गो। मैं नहीं जाऊंगी। ओह यार राइट, तुम्हें एयरपोर्ट सी ऑफ करते हुए एंग्जाइटी होती है, आई नो। चलो नीचे तक तो छोड़ दो। चलो भाई आ जाओ। आ गया बा। चलो चलो आओ। भाई मैं भी चलूं साथ? तो मैंने बताया ना सिर्फ दो लोग जा सकते हैं एयरपोर्ट अब से, ज्यादा लोगों को नहीं जाने देते। अपना ख्याल रखिए। आप भी अपना ख्याल रखिएगा और मेरी बेटी का भी। बेटा अपनी बहू को बुला लिया आपने? महरीन गई है बुलाने, आ रही होगी। आ गई, आ गई। बुलाया था अंकल आपने? बेटा मैंने नहीं, तुम्हारी आंटी ने कोई बात करनी। बैठो। अरे लो बैठो। सब कुछ आपने मुझ पे डाल दी। खराब बात। देखो अभी हाँ, ये एक बहुत बड़ा मसला है। क्या बात है आंटी, क्या मसला है? खैरियत? देखो तुम लोग दो से तीन होने वाले हो, हमें महरीन की शादी भी करनी है, जहेज वगैरह का तो हमने कभी तकाजा किया ही नहीं। तुम खुद दो कपड़ों में रुखसत होके आई हो तो हमने तुम्हें कबूल कर लिया। अच्छा तो ये बात थी। अरे बेटा पूरी बात तो सुन लो। देखो अभी हाँ, ये घर जो है ना, ये अदनान के वालिद का है और सुफियान ने ये घर बहुत मेहनत से और बहुत मुश्किल से बनाया। हम चाहते हैं कि हमारे बेटे का भी घर हो। इस घर को बनाने में मेरे वालिद ने सुफियान की बहुत मदद की है, जबकि तुम्हारे वालिद ने तो कोई मदद नहीं की। आंटी अभी तो शुरुआत हुई है ना, इंशाल्लाह अदनान कोई भी कदम उठाएंगे बाबा उनका साथ जरूर देंगे, बाबा पीछे हटने वालों में से नहीं है। अदनान तो उसी वक्त कदम उठाएगा ना जब उसे कुछ नजर आएगा, नजर आएगा तो वो कदम उठाएगा। आंटी खुलकर एक बार ही बता दें आप क्या कहना चाह रही हैं। भाई सीधी सी बात है, तुम जाके अपने वालिद से कहो कि अदनान के अकाउंट में 5-7 करोड़ डाल दे, ताकि उसे भी लगे कि वो कुछ कर सकता है। सुने जी ये डिफेंस में आजकल एक छोटा सा बंगला कितने तक में हो जाता है? अरे भाई बहुत महंगाई हो गई है अब तो। अब 5-7 करोड़
आठ करोड़ दस करोड़ भी ऐसे ही है। सुन लिया तुमने, महंगाई का जमाना है। बस सलीम साहब से कहो कि 10 करोड़ रुपए अदनान के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, बाकी जो कमी बेशी होगी वो खुद पूरी कर लेगा। 10 करोड़ आंटी? हाँ 10 करोड़। लो भाई, 7-8 करोड़ का तो घर ही हो जाएगा, फिर गाड़ी नहीं खरीदेगा, घर को फर्निश नहीं करेगा, सारी अब जिंदगी की जरूरियात हैं। और फिर हमें महरीन की शादी करनी है, उसके लिए हमें ये घर बेचना पड़ेगा, और जब ये घर बिक जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, तुम लोग कहाँ जाओगे? इसलिए हमारे बेटे का घर होना बहुत जरूरी है। करते हैं बात। अब देखना ये सारी बातें अदनान से करेगी। बस अतिया, शाबाश भाई। शुक्रिया। अच्छा, मेरी बच्ची तुम फिक्र मत करो किसी चीज की, मैं हूं ना, बस रिलैक्स करो। मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हें लेने आऊंगा, है मेरी बेटी। ओके। क्या कह रही थी? मुझे तो उसने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ रोए जा रही थी। अपनी औकात दिखा दी अब यहां के ससुराल वालों ने। 10 करोड़ रुपए मांग रहे हैं उससे। अगर मेरे हालात अच्छे होते तो 20 करोड़ रुपए उनके मुंह पे मारता। बैड टाइमिंग। 4 करोड़ रुपए अब यहां के अकाउंट में भी है। सलीम अब करना क्या है? वो क्या कहती है? क्या कहेगी बेचारी? वो अदनान से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है लेकिन उसका फोन बंद जा रहा है। जाहिर है वो फ्लाइट पे होगा। अभी चलो और रबिया को लेकर आते हैं। मेरी बात सुने, ऐसा तो नहीं अदनान भी इस सारे खेल में शामिल हो? ऐसी बात नहीं है, मैंने दुनिया देखी है। अदनान बहुत अच्छा बच्चा है लेकिन सुफियान और अतिया मुझे शुरू से गलत नजर आते थे। अपनी असलियत दिखा दी। खैर चलो अब यहां को लेकर आते हैं। मेरी बात सुने, बेटी को वहां से मत लेकर आए। कैसी बातें कर रही हो तुम? अबिया की तबीयत ठीक नहीं है, वो प्रेग्नेंट है। खुदा ना खास्ता अगर वो स्ट्रेस में आ गई और डिप्रेशन में चली गई तो होने वाले बच्चे पर कितना बुरा असर पड़ेगा। सलीम आप सब कुछ ठीक कह रहे हैं लेकिन बस मुझे डर है कि उसका घर ना खराब हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, अदनान को आने दो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब यहां को लेकर आते, आ जाओ। क्या हुआ? ये कैसे बंद हो गई गाड़ी? गाड़ी खुद ब खुद बंद हो गई है, यानी डेड है। तो स्टार्ट करें ना। नहीं हो रही ना स्टार्ट। क्यों? गाड़ी स्टार्ट करें सलीम।
मेरा भी दरवाजा लॉक हो गया है। लॉक खोलो। खुल नहीं रहा सलीम। कहाँ गया? सर यही था, सर यही तो था, उसको फायर लगा है बिल्कुल। हाँ भाई बेहतरीन शॉट था मेरा, क्या हुआ है? ये क्या है? या अल्लाह क्या कर दिया सलीम साहब तुमने? सलीम साहब वो हिरन नहीं था, मैंने आपको मना भी किया था लेकिन आपने मेरा बात बिल्कुल नहीं माना। बहुत गलत किया, इस इलाके में कोई शिकार नहीं खेलता है। क्या कह रहा है ये? चलो इधर से सलीम साहब, जल्दी चलो इधर से, आप मेरे साथ आओ। मैंने आपको बोला था गलत जगह गोली चलाए तुमने, अभी तुम्हारे इधर रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे साथ आओ, जल्दी इधर चलो। कहाँ जा रही हो? माँ बाबा की तरफ जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। अच्छा, हमें कहना भी गवारा नहीं किया? नहीं नहीं आंटी, बस पार्किंग करके आप ही कोई बताने वाली थी। लगता है तुम्हारी बात तुम्हें बुरी लग गई। देखो बेटा, हमने तो तुम्हारी भलाई की बात की, मियाँ बीवी मिलके ही घर बनाते हैं ना। आंटी अदनान आ जाए फिर इस बारे में बात करें। ओ तुम क्या समझती हो कि
वो हमारी बात से इख्तलाफ करेगा। फूफो की कॉल है। जी फूफो। हाथ मुंह धो लो, लोग ताजियत करने आ रहे, सब नीचे बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पप्पू मुझे नहीं मिलना किसी से, अब उनसे माजरत कर ले, उन्हें के पूछ जाए आपसे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, हिम्मत तो करनी होगी ना, अल्लाह की मर्जी के आगे कौन क्या कर सकता है, उसकी अमानत थी, उसने ले ली। तो वो मैं कैसे सफर करूं, माँ और बाबा मुझसे मिलने आ रहे थे, मुझे लेने आ रहे थे, मैं उनके पास भी नहीं थी, उनके आगे टाइम पे मुझे सब्र नहीं आता। वो नहीं बेटा, नहीं नहीं मेरे बच्चे, बस बस कर दो रोना, देखो मत रो, देखो तुम्हारे रोने से वो वापस नहीं आएंगे ना, बस उनके हक में जितना हो सके उनको पढ़ पढ़ के बख्शो बेटा, पढ़ पढ़ के बख्शो। मैं अकेली रह गई हूँ, मैं अकेली रह गई, इतनी हो गई हूँ, वो मेरे पास कोई नहीं रहा, मेरे पास कोई नहीं रहा। भैया, अदनान का फोन है। लगेगा, संभल जाएगी। मैं नहीं समझ पा रही इतना, मुझे सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, मैं अकेली रह गई हूं। नहीं, मैं कुछ दिन रहना चाहती हूँ इस घर में, माँ और बाबा का होने का एहसास होता है, ऐसा लगता है कि वो कभी भी कहीं से आ जाएंगे। वो है पास, हम ठीक है। कब आ रही है भाई तुम्हारी बहू? ओफो, आप बड़ा मिस कर रहे हैं अपनी चहेती बहू को।
हाँ जरा मजा आता है जब तुम जुमले लगाती हो उस पे। अब ज्यादा दिन आपको ये जुमले सुनने को नहीं मिलेंगे। सुलह हो गई तुम्हारी अभ्यास? सुलह करती है मेरी जूती, कंगलों को तो मैं मुंह ही नहीं लगाती। वैसे मैंने अब एक फैसला किया है, अबिया को यहाँ से चलता करके कोई बेहतर जगह देख के हम अदनान की दूसरी शादी कर दे। होश में हो तुम? अबिया उम्मीद से है। हमारी उम्मीदों का तो गला घुट दिया ना उसने, कुछ नहीं मिलने वाला उसे, जायदाद की कुर्की हो गई है, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा और अबिया भी खाली हाथ ही रह गई है। तो क्या हमारा पोता पैदा नहीं करेगी? अरे अल्लाह मेरे बेटे को जिंदगी दे पोते बहुत, जहां दूसरी शादी होगी वो बच्चे भी तो हमारे पोते होंगे। अदनान को क्या जवाब दोगी? अदनान मेरा बेटा है, वो किस बात से खुश होता है, किस बात पे नाराज होता है, किस बात से बदसन होता है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं तो कहता हूँ अच्छी तरह से। बस आप अब कुछ नहीं बोलेंगे, मैंने सोच लिया है क्या करना है। हाँ बेटा उठ गई, चलो अच्छा हो गया, उठ जाओ, नहा धो लो, फ्रेश कर लो अपने आप को, फिर स्वयं के लिए लोग आने वाले हैं ना। जी बहुत याद आती है सलीम भाई की, घर के हर कोने से लगता है कि उनकी आवाज आ रही, ऐसा लगता है अभी कहीं से आ जाएंगे और आवाज देंगे। शहनाज चाय पीने का दिल कर रहा है, जल्दी से अच्छी सी चाय बना दो, मेरे हाथ की अदरक वाली चाय बहुत शौक से पीते थे। बस ना भोपो, बस ना, बस को पता है ना इन्हें की वजह से खुद को संभाला है,
आप भी ऐसे रो देंगे तो हिम्मत नहीं आएगी मुझ पे। नहीं मेरा बच्चा नहीं, तुम हिम्मत नहीं हारना। चले बस, रोना नहीं है। मैं चेंज करके आती, जल्दी से चेंज करके। अरे कहाँ से आई मैट्री? ये तुम्हारे कपड़े? ये और देखो वहां भी कितनी मिट्टी है। कौन आया था तुम्हारे कमरे में? अच्छा खैर जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं भी मासी से कह के सफाई कराती हूँ। सारा कमरे मट्टी मट्टी हुआ है सब।